तो वहीं राजनीति की पहली सीढ़ी कहे जाने वाले छात्र संघ चुनाव पर पिछली सरकार के समय से बैन है। सूबे की मौजूदा सरकार ये रोक हटाएगी या नहीं, इस पर भी सस्पेंस है। मगर अब इस रोक को हटाने के लिए राजस्थान के छात्र नेता लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। सूबे की सरकार से छात्रों की गुहार, छात्र संघ चुनाव पर रोक कब तक रहेगी बरकरार, कैंपस में इलेक्शन की मांग पकड़ी जोर, गुहार पर गौर कब, छात्र नेताओं की जोशीली तकरीरें, हवा में उड़ाए जाते पर्चे और मंच के नीचे मौजूद समर्थकों की हौसला अफजाई, तस्वीरें उस छात्र संघ चुनाव की है जो अब गुजरे जमाने की बातें हो चुकी हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2023 में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी थी। सरकार का तर्क था कि विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति लागू करने की कवायद चल रही है, साथ ही अगस्त में छात्र संघ चुनाव होने से एडमिशन और रिजल्ट की प्रक्रिया प्रभावित होती है। गहलोत सरकार ने धनबल और बाहुबल के इस्तेमाल की दलील देते हुए छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी, कब तक के लिए ये बताना भी मुनासिब नहीं समझा। छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने के जो कारण गिनाए गए वे हर साल समान रूप से प्रभावित रहेंगे। मसलन जुलाई से अगस्त तक एडमिशन प्रक्रिया हर साल चलेगी, अलग अलग सेमेस्टर के रिजल्ट भी जारी होते रहेंगे। पूर्ववर्ती सरकार की ओर से दिए गए तर्क के हिसाब से तो अब कभी चुनाव हो ही नहीं सकेंगे। हैरानी तो इस बात की है कि मौजूदा बीजेपी सरकार भी छात्र संघ चुनाव को लेकर कुछ भी कहने से बच रही है। देखिए छात्र संघ चुनाव ने तो हमने करवाए, हमारी सरकार ने और ना हमने बंद कराए, इसलिए हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। छात्र संघ चुनाव को लेकर सरकार का स्टैंड क्लियर नहीं, मगर राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों ने छात्र संघ चुनाव बहाली की आस नहीं छोड़ी। कांग्रेस बीजेपी दोनों के जितने भी पदाधिकारी हैं राजस्थान विश्वविद्यालय से निकले हुए हैं, उन्होंने छात्र शक्ति का समर्थन करते हुए चिट्ठियां लिखी है और जल्द से जल्द हम भी राजस्थान सरकार से ये निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि छात्र संघ के चुनाव बहाल किए जाएं। अगर हम राजस्थान विश्वविद्यालय की फोर सीलिंग की बात करें तो लाइब्रेरी में फोर सीलिंग गिर जाती है, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में फोर सीलिंग गिर जाती है। अगर छात्र आता है इस विश्वविद्यालय में तो उसको किसी भी प्रशासन द्वारा किसी भी सहयोग की अपेक्षा नहीं होती है। एडमिशन से रिलेटेड भी प्रशासन किसी प्रकार की जागरूकता नहीं रखता है, तो राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की अहम भूमिका है। छात्र राजनीति से निकले कई नेता आज देश की दशा और दिशा तय कर रहे हैं, इसके बावजूद छात्र संघ चुनाव पर लगाई गई रोक समझ से परे। राजस्थान के अंदर छात्र संघ चुनाव की स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन छात्र नेता और छात्र प्रतिनिधि लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि राजनीति की पहली सीढ़ी की एक बार फिर से शुरुआत की जाए, ताकि राजनीति में नई खेप के आने का सिलसिला लगातार जारी रहे। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ लवली बधवा, न्यूज 18 जयपुर।